नमस्ते दोस्तों, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन को लेके। और देखिए प्यारे से फूल खिलने लगे हैं। और आज हम लोग अपने इस बगिया में एक साथ जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे या जिस वेजिटेबल के बारे में बातें करेंगे, वो बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यूज रखती है अपने अंदर। डेंस न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। आज मैंने इतनी सारी ये सीम की फली तोड़ी है, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, सीम की फली के बारे में ही। इसको लीमा बीन्स भी बोला जाता है और उगाना बहुत ही आसान है। इसको इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। ये सेम की फली के बीज के बारे में अगर बात करें तो ये काफ़ी है ना बड़ा साइज़ होता है इसके बीज का। तो बेहतर यही होता है कि हम लोग जब इसको ग्रो करना चाह रहे हैं तो एक रात पहले इसके बीज को भिगो के रख लें, तो वो थोड़ा जल्दी से है ना निकल के आता है। और मिट्टी इसको हम लोगों को सैंडी ही चाहिए होती है। अगर आपकी मिट्टी में क्ले ज़्यादा है या पानी बहुत रुकता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, तो सेम की फली को उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इसमें है ना फ्लावरिंग भी नहीं होती है और फलियां भी नहीं बनती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी लूज मिट्टी सेम की फली के लिए यूज़ करें। ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है ये एक साल पुराना है, दूसरे साल में अभी चल रहा है ये, और बहुत अच्छी इसकी प्रोड्यूसिंग है, फली बहुत अच्छी देता है ये। तो सेम की फली के पेड़ लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप एक बार लगाते हैं और दो तीन साल तक आराम से चलता रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। ये देखिए, ये भी मैंने फरवरी में लगाया था, कितनी सारी इसमें ना फ्लावरिंग हो रही है और फलियां भी आ रही हैं। तो मैं जैसा कि आप लोगों को कह रही थी कि सॉइल थोड़ी सी सैंडी और लूज ही होनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी सेम की फली कभी पसंद नहीं करती। थोड़ा थोड़ा आपको बस ज़रूरत है उसी हिसाब से देते रहें। ज़्यादा पानी से इसमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है और वही इसकी सबसे बड़ी बीमारी भी होती है, बैक्टीरिया जनित रोग और फंगस इसमें काफ़ी लग जाता है और फूल भी आने में दिक्कत होती है, पेड़ कमज़ोर होता चला जाता है। तो पानी आप थोड़ा कम ही रखें, इसमें बहुत ज़रूरत नहीं होती इसको पानी की। और खाद की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसको, तो ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देनी चाहिए सेम की फली में। नॉर्मली बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगती है ये। और धूप, बस जैसा कि आप देख रहे हैं अभी सुबह सुबह का मौसम है तो भी इसमें धूप आ गई है, तो पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। सेम की फली लगानी है अगर अच्छी है आपको, तो बस ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आप पूरी धूप में ही लगाएं उसको, तभी वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। दोनों ही पौधों में देखिए आप, मेरे में पूरी धूप आ चुकी है अभी सुबह सुबह की भी, तो फुल डे की सनलाइट चाहिए होती है इसको। और मिट्टी जो है इसको थोड़ी सी एसिडिक ही चाहिए होती है, 6-7 अगर आपकी मिट्टी का पीएच है तो बहुत अच्छे से ग्रो करती है ये सेम की फली जो है, बहुत बढ़िया अच्छी निकलती है। तो पीएच का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 6-2, थोड़ी सी एसिडिक, हल्की सी एसिडिक सॉइल चाहिए होती है बस इसको। और बीमारियां जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें फंगस और बैक्टीरिया जनित रोग ही लगते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही ज़्यादातर। और कुछ ब्लैक एफिड्स छोटे छोटे वाले होते हैं, कई बार वो भी लग जाते हैं, तो वो भी रीज़न यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं। तो बस दो तीन चीज़ें सेम की फली उगाते टाइम अपन को याद ही रखनी है कि पानी बहुत कम देना है, सनलाइट फुल रखनी है और मिट्टी थोड़ी सी लूज होनी चाहिए जिससे ये अच्छे से ग्रो कर पाए। अगर नहीं तो फिर ये देती रहती है आपको 2-3 साल तक फलियाँ, कोई दिक्कत ही नहीं होती अगर अच्छी तरह से अगर आपने इसको ग्रो किया है तो। और आसान है सेम की फली को ग्रो करना, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें, विटामिन बी भी बहुत अच्छे से पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन वैल्यूज तो इतनी ज़्यादा होती हैं इसकी कि बिल्कुल मेडिसिनल इसका यूज़ होता है एक तरह से, बहुत ही अच्छी तरह अच्छी चीज़ है। आप अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर में उगाते हैं तो सेम की फली स्वास्थ्यवर्धक बहुत है। तो आप इन्हीं बातों का कुछ ध्यान रखें, बस छोटी छोटी सी बातें हैं ये। और फरवरी से लेकर और सितंबर तक मैंने देखा है सेम की फली कभी भी ग्रो कर सकते हैं आप। मैंने फरवरी में भी लगाए हैं अपने प्लांट और जून में भी लगाए थे एक दो मिले, तो बस बहुत तेज सर्दी में ये ग्रो नहीं कर पाती हैं, अदरवाइज आप पूरा साल इसको ठीक ठीक से मौसम में कभी भी ग्रो कर सकते हैं।
और एक ही बेल अगर आपने लगाई है ना, आप ये देखिए ये एक ऐसी सब्जी है, अगर एक आप आपने अपने 15 इंच के गमले में एक ही बेल लगाई है, वो भी आपके पूरे परिवार के लिए बहुत होती है। अब मेरे पास ये 3-4 बेलें हैं तो इनसे इतनी ज़्यादा फली निकलती हैं कि हमारे यहाँ तो पूरी तरह से काम भी नहीं आती, देनी पड़ती है मुझे सब लोगों को इधर उधर अड़ोस पड़ोस में। और देखो मज़ा भी आता है बहुत, एक ऐसी सब्जी जो बहुत स्वास्थ्य फैला रही हो उसको अगर आप बांटते हैं लगा के तो ये बड़े ही मतलब खुशी की सी बात हो जाती है आपके लिए। अभी मैंने इतनी सारी तोड़ी हैं तो हम नीचे अपनी चाची जी के भी मैं दूंगी इसको, और हमारे यहाँ भी काम हो जाएगा तो बड़ी खुशी होती है आपको, और आसान भी है बहुत ग्रो करना। ज़रूर लगाओ आप, मैं तो ये कहती हूँ इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए आप सेम की फली को, एक पेड़ तो आप लगाइए ही लगाइए। और देखो इसके क्लाइंबर्स भी होते हैं, बेल भी बनती है और ये झाड़ी वाले भी होते हैं, जैसे मैंने ये जो लगाई हुई है झाड़ी वाली है क्लाइम नहीं होती है ज़्यादातर, तो अगर ये नीचे गिरने लग जाती है हवा से या उससे तो एक थोड़ी सी कोई आप स्टिक वगैरह लगा के इनको उस पर टिका दीजिए। ये देखिए अभी थोड़ी सी बारिश आई है 1-2 दिन पहले, तो उसकी वजह से ये थोड़ा फैल गई है, इधर उधर गिरने लगी है, तो अगर आप ये स्टिक लगा देते हैं तो ये आराम से खड़ी रहती है बस। और इसको कीड़े से बचाने के लिए मैंने जैसे आपको बता ही रखा है हर हफ्ते या 10 दिन में नीम ऑयल का और अदर ऑर्गेनिक ऑयल्स का स्प्रे कर देती हूँ मैं इसमें, और कुछ नहीं मांगती बस, ये आसान सी सब्जी है जो ग्रो हो जाती है बड़े आराम से, बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होता कोई लगाने के बाद, और खूब भर भर के वेजिटेबल आपको मिलती है, मतलब अच्छी अच्छी वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाली होती हैं। बीन्स तो सारी ऐसी होती हैं लगभग जो बहुत अच्छे से आपको वेजिटेबल देती हैं, तो बस मेरी तो यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप ज़रूर लगाइए इसको और पूरा फ़ायदा उठाइए, हेल्थ फैलाइए अपने घर में, बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको ग्रो करेंगे। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, स्वस्थ रहें मस्त रहें, नमस्ते।